अल्मोड़ा टेलीफोन एक्सचेंज में गत रात्रि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग जाने से बीएसएनएल का सर्वर खाक हो गया। आग लगने की इस घटना से अल्मोड़ा बागेश्वर सहित चार जिलों की संचार सेवा ठप हो गई, जिस कारण अल्मोड़ा बागेश्वर सहित पिथौरागढ़ चंपावत जिलों में उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों के मोबाइल शोपीस बने रहे तथा इंटरनेट से संबंधित कार्य भी नहीं हो सका। नेटवर्क ठप होने से बैंकों और सरकारी कार्यालयों में भी कामकाज प्रभावित हुआ, कई एटीएम भी बंद रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में संचार सेवा चरमराने से लाखों उपभोक्ताओं को परेशानी के दौर से गुजरना पड़ा। अल्मोड़ा टेलीफोन एक्सचेंज में क्या तकनीकी खराबी रही, इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे अल्मोड़ा संवाददाता चंदन नेगी। पेश है सीसीएन की ये रिपोर्ट। चलो आप ये बताएं सर, ये बागेश्वर में कल रात से बीएसएनएल की सारी सेवाएं बंद है, इंटरनेट भी बंद है और वॉइस कॉल भी नहीं हो पाई, कहाँ दिक्कत है, दिक्कत कहाँ पर आ गई थी? ये दिक्कत जो है अल्मोड़ा एक्सचेंज जो है ये इसके अंदर चार जिले जुड़े हैं, अल्मोड़ा बागेश्वर पिथौरागढ़ चंपावत, और ये जिलों में जो है कल रात यहाँ वो शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी एक्सचेंज में, तो उससे कई उपकरण उनके जल गए चुके थे और इस कारण जो है वो सारा सिस्टम इनका गड़बड़ा गया। इससे बड़ी मुश्किल से सुबह करीब 12 बजे तक इनका फोन सेवा ठीक हो पाई और अब दिन में अल्मोड़ा क्षेत्र में जो है वाईफाई की व्यवस्था भी, इंटरनेट की व्यवस्था जो है ठीक हो चुकी है। अब अन्य जिलों का भी ये लगे पड़े हैं काम पर, ताकि अन्य जिलों में भी थोड़ा ठीक हो जाए, उम्मीद है कि कुछ घंटों बाद अन्य जिलों में ठीक हो जाएगी। अच्छा, कितने जिलों के उपभोक्ता इससे प्रभावित हुए होंगे आप बता पाएंगे? इसे चार जिलों के उपभोक्ता प्रभावित हो रहे हैं, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत। अच्छा, अब बता आप थोड़ा सा ये भी बता पाएंगे कि कितने उपभोक्ता होंगे, संख्या में कितने उपभोक्ता होंगे अनुमानित? अब उपभोक्ताओं का क्लियर कट करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जो है ये बहुत 1.5 लाख के जिले में लगाते हैं आप, तो 5-6 लाख उपभोक्ता। अच्छा, ये अल्मोड़ा में जो आग लगी है शॉर्ट सर्किट से, कितना बड़ा नुकसान है वहाँ पर, कितना बड़ा नुकसान इसको बीएसएनएल आंक रहा है? ये सर अभी आंकड़ा नहीं है अभी, क्योंकि जब आनंद फानंद से पता लगा तो आनंद फानंद में अभी तक ये लोग उसमें जुटे हैं, तो आकलन ये सब बाद में करेंगे। तो ये थोड़ा सा आप ये बता देंगे पुरानी स्थिति बहाल होने में कितना वक्त लग जाएगा, क्या वो इंजीनियरों से आपकी बात हुई? अभी कुछ ये टेलीफोन के जो अधिकारी हैं इनसे बात हुई थी एसपीओ से, तो वो बताते हैं कि इसमें अभी बड़ी मुश्किल से इस अल्मोड़ा जिले में तो थोड़ा आसपास ठीक कर चुके हैं, लेकिन अन्य जिलों में कुछ घंटे लग सकते हैं और कुछ 5-6 घंटे भी लग सकते हैं। अच्छा, हमसे बातचीत करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, धन्यवाद।